हरियाणा सरकार ने खोला खजाना, अब ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा इनाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, तीन ठिकानों पर ईडी ने मारी छापेमारी। कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटे भारत चीन के जवान। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास की रखी गई आधारशिला, 3 एकड़ के प्लॉट का किया गया आवंटन। गोल्ड सिल्वर की उम्मीदें टूटी, टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया, पुनिया से अब कांस्य की आस। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अलीगढ़ में मान्यता विहीन सीबीएसई गुरु गोविंद स्कूल पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 8वीं तक की मान्यता के बाद भी स्कूल में 10वीं तक की कक्षाओं में छात्रों का दाखिला लिया गया। स्कूल प्रबंधक द्वारा छात्रों पर 11वीं में भी दाखिला लेने का दबाव इस वक्त बनाया गया। वहीं हाई स्कूल में प्रमोट छात्रों के रिजल्ट में कम अंक प्राप्त होने पर अभिभावकों का स्कूल प्रबंधक पर गुस्सा फूट गया और छात्रों को लेकर भारी संख्या में अभिभावकों व छात्र नेताओं ने DIOS दफ्तर का घेराव करते हुए स्कूल को सीज करने की मांग की और प्रमोट छात्रों के रिजल्ट में सुधार की भी मांग की गई। औरैया जनपद में बहने वाली अविरल निर्मल यमुना में कोटा राजस्थान से छोड़े गए पानी की वजह से इस वक्त नदी का स्तर लाल निशान को भी पार कर चुका है। आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे बसे लगभग 12 गांव में यमुना का पानी घुस जाने से ग्रामीणों में बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो चुकी है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा अपनी ड्यूटी निभाते हुए बाढ़ से ग्रस्त गाँव वालों का भ्रमण किया गया और उनको सही स्थानों पर पहुंचाया गया है और गांव वालों को सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर लिए जाने के लिए भी आश्वासित इस वक्त किया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के कासिमपुर पावर हाउस में विगत दिनों हुई चोरी की घटनाओं में जवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वहीं एक अभियुक्त फिलहाल फरार बताया जा रहा है जो कि दिल्ली का निवासी है, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इन अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में जेवरात और नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगालने के साथ साथ इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। SPCG कुलदीप गुणावत ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि SSP कलानिधि नेथानी ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए टीमें गठित की थी। वहीं गठित टीम और सर्विलांस के अथक प्रयासों से अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा हुआ है। थाना जवाब में स्थित कासिमपुर पावर हाउस में एक चोरी हुई थी और इस प्रकार की कुछ चोरियां पूर्व में भी उस क्षेत्र में हो रही थी। उसी का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया था और इस घटना पे जो आसपास की CCTV और अन्य सर्विलांस के माध्यम से पुलिस की टीम लगातार निरंतर प्रयास कर। औरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम रोशन कायाकल्प 2020-21 में आया है। एरवा कचरा में पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के नाम रोशन किया गया है। इस मौके पर शैलेंद्र नारायण चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ला सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मोहित कुमार के निर्देश पर सफल तरीके से काम किया जा रहा था और उन्हीं के प्रयासों की वजह से यह सफलता हासिल हुई है। देखिए, ये जो कायाकल्प योजना में 135वां नंबर हमारे अस्पताल का आया है। कुल मिला के 215 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इसमें से पूरे प्रदेश भर में, जिसमें कि अपने ज़िले से 3 अस्पताल आए हैं। एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 42वां नंबर आया है कायाकल्प योजना के तहत। 89 नंबर जो 89 नंबर है वो अजीतमल CSC को मिला है और 135वां नंबर पहली बार एरवा कटरा को कायाकल्प में मिला है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अशोक कुमार जी जो हमारे ACMO साहब हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी,
सभी लोगों का और भी जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं उन सब लोगों का पूर्ण इसमें सहयोग रहा है और उनके दिशा निर्देशन समय समय पर हमको मिलता रहा है। इसके तहत हमने और हमारी पूरी टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा पे जितने भी स्टाफ हैं हमारे उन लोगों ने हमारी बीपीएम यूनिट ने बीपीएम बीसीपीएम। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव डढ़ार में एक दिव्यांग युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां दिव्यांग युवक की महज इतनी गलती थी कि उसने अपनी मजदूरी के 1800 रुपए मांग लिए थे। इतना ही नहीं, दिव्यांग युवक की मां का यह भी आरोप है कि उसे भरी पंचायत में बुलाकर पेशाब तक पिलाया गया और झूठे बाइक चोरी के आरोप में जेल में भी बंद करवा दिया गया। दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसी वीडियो को लेकर परिजनों ने एसएसपी दफ्तर आकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि महिला शिकायत लेकर पहुंची हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी अतरौली जांच कर रहे हैं, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अतरौली क्षेत्र का एक ये वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक युवक के साथ कुछ लोग उसको लाठी से मार रहे हैं। तो इस संबंध में उस युवक के तरफ से एक एप्लीकेशन थाने पर प्राप्त हुई है जिसमें उसने ये बताया कि कुछ मजदूरी के पैसे को लेकर विवाद था, जिसमें ये कहा सुनी। रायबरेली में महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुरावा गांव निवासी अमित त्रिपाठी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि ग्राम प्रधान रोशन लाल के प्रतिनिधि उससे आए दिन परेशान करते हैं और उससे धमकी भी दी जा रही है कि अगर प्रधान के खिलाफ कोई दुष्प्रचार किया तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। वही धमकी भरा ये ऑडियो अब वायरल हो रहा है। इस पर पीड़ित अमित त्रिपाठी ने प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामले में कोतवाली प्रभारी रेखा सिंह ने बताया कि प्रतिनिधि दीपू यादव के खिलाफ तहरीर मिली है और जांच की कड़ी कार्यवाही करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप भी सुनिए धमकी भरा ये ऑडियो। नहीं, तो ये जो अफवाह आपने जो कारनामा आप जो कर्म शुरू करे हो सब हमें मालूम है। तुमका मालूम है या तुमका को बताओ? आपको हमने चेतना दे दिया है कि आप अपने जगह पर आप बैठ जाइए, आप हमारे पीछे मत पड़िए। याद रखो पंडित जी, और जिस दिन अगर क्रोध चढ़ गया उस दिन देख लेना सब विनाश हो जाएगा। ठीक है, विनाश तो क्यों का। नहीं, तो ये जो अफवाह आपने जो कारनामा आप जो कर्म शुरू करे हो सब हमें मालूम है। तुमका मालूम है या तुमका को बताओ। आपको हमने चेतना दे दिया है कि आप अपने जगह पर आप बैठ जाइए, आप हमारे पीछे मत पड़िए। याद रखो पंडित जी, और जिस दिन अगर क्रोध चढ़ गया उस दिन देख लेना सब विनाश हो जाएगा। ठीक है। उनके जो सहयोगी साथी मित्र हैं जी, वो लोग गांव के लोगों को धमका रहे हैं जी, और उस प्रधान की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र पर जी आयु कम होने के कारण जी उनके मन में संदेह है कि कहीं कोई हमारी प्रधानी के खिलाफ कार्रवाई कर दे जिससे कि प्रधानी निरस्त हो जाए जी। इस आधार पर वो लोगों में धमकी और दहशत बनाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कल मुझे फोन पर जान से मार देने की धमकी दी है जी। इस संबंध में हमने कोतवाली प्रभारी रेखा सिंह जी को हमने एक शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने फतेहपुर जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती नाबालिग दलित लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित की मां को पानी लाने के बहाने बाहर भेजकर अस्पताल के दो स्वास्थ्य कर्मियों ने नाबालिग के साथ छेड़खानी की। वहीं जब पीड़िता की मां पानी लेकर वापस आई तो पीड़िता ने छेड़खानी की पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना के बाद सीओ सिटी और सदर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता की बहन ने बताया कि वह गाजीपुर थाना क्षेत्र की निवासी है। बुधवार को उसकी छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। पीड़िता की बहन का आरोप है कि इलाज के दौरान अस्पताल के स्टाफ के द्वारा उसकी बहन के साथ छेड़खानी की गई। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जा रही है तथा एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे हिरासत में हमले हुआ है। तो बेटी के पहले हमको भेज दिया पानी को, तो हम सुधे सुखाए पानी के चले गए हैं, तो इसे बेटी हमको नहीं बताया है सदर अस्पताल में, तो बाबे बात नहीं बताया था जाने का। दवाई का भी नहीं आई थी, बेहाल रहे। क्या हुआ है आपकी बेटी का? सगले हाथ मेरा। कौन लोग थे? दो लोग रहे
पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जेसीबी की मदद से अवैध कच्ची शराब की कई भट्टियों को तोड़ा गया है, साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब को भी बरामद किया गया है और अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त करके नष्ट कर दिया गया। यह अभियान जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक फोर्स ने संयुक्त रूप से एक्शन से किया है। अभी लोग कोरोना से लड़कर संभल भी नहीं पाए थे कि जनपद जालौन में यमुना नदी से बाढ़ से इस वक्त लोग परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से लोगों के आशियाने बिखर गए हैं। बता दें कि बांध से छोड़े गए पानी ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि सिंध, पहुज, यमुना सहित कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसका रौद्र रूप चारों ओर देखने को मिल रहा है। जनपद जालौन में कई ऐसे गांव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कालपी क्षेत्र के सिमरा शेखपुर में लगभग आधा दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है, क्योंकि अभी तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ही चल रहा है। वहीं जनपद जालौन में प्रशासन सतर्कता दिखाते हुए बाढ़ क्षेत्र में उपस्थित दिखाई दे रहा है। उपजिलाधिकारी कालपी और तहसीलदार कालपी ने सिमरा शेखपुर का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए आश्वस्त किया। अभी सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो जनहानि और पशुहानि को रोकने की है, और उसके बाद विस्थापन का कार्य किया जा रहा है जी, और साथ ही साथ संक्रमण ना फैले इसलिए मेडिकल की टीमें वहाँ पर लगाई जा रही हैं, और साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार हैं ग्रामों में उनको सूखा राशन और तैयार भोजन अभी 500 पैकेट बंटवाया है, और शीघ्र ही उसकी संख्या बढ़ा करके उनको पूर्ति की जाएगी। और विस्थापितों ने प्रशासन से कहा कि गांव बसाने के लिए हम लोगों को ज़मीन मुहैया कराई जाए, तो एक तो ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो हम लोग अगर जाएँ यहाँ से गाँव बनाएँ तो किस जगह बनाएँ, और गाँव बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। अब जिलाधिकारी महोदय अगर इसमें प्रयास की करें या उप जिलाधिकारी महोदय करें तो यहाँ पर वन विभाग का जो क्षेत्रफल है उसमें 10-50 एकड़ जो है वन विभाग से ज़मीन गांव समाज को हैंड ओवर कराई जाए, तब वो जो है उसमें हम लोग गांव बसा सकें ताकि हमेशा की समस्या खत्म हो सके। और यहाँ किसानों लखनऊ में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर कई जिलों से आए कर्मचारियों से बात की। अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से किए जा रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर अपनी बातों को रखा गया, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लोगों की मांग है कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार जारी है और इसी वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनकी परेशानियों को कम किया जाना इस वक्त आवश्यक हो गया है। औरैया में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर प्रदेश भर में सपाइयों ने साइकिल रैली निकाली। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में लोगों की जान गई, और इस पर भी सपाइयों ने सरकार पर तंज कसा। मुख्य उद्देश्य यही है कि अत्याचारी सरकार ने जो भले आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है, किसी को न तो चुनाव लड़ने दिया ना किसी की रोजी रोटी भी छीन ली, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो अभी बताए थे लोगों ने, इसकी वजह से हम लोग जो है इसको निकाल। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे है। आज हम बिधुना तहसील पहुँचे, इसी के चलते आज यहाँ के लोग जो जितने भी हैं, आइए कैमरामैन दिखाएं यहाँ पे, जो काफ़ी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, इसी के कार्यकर्ता जो हमारे सब लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये रैली का क्या इसका महत्व है, क्या है ये? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में ये रैली का आह्वान किया गया है, साइकिल रैली का, और उनका आदेश है कि तहसील स्तर से ये रैली प्रारंभ की जाए और गाँव-गाँव जाकर के जो भाजपा द्वारा जनहित में जो अन्यायपूर्ण काम किए जा रहे हैं उनके विरोध में जन रैली निकाली जा रही है, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई है बीजेपी द्वारा, उसके विरोध में, तथा जो जनेश्वर मिश्रा जी की आज जन्मशती भी है, जो हमारे छोटे लोहिया जी के नाम से जाने जाते हैं,
उनकी जन्म जो सती है आज जयंती है उसके उपलक्ष में हम लोग पूरे भ्रमण करके भाजपा के विरोध में जन जन तक। रायबरेली के बीएसएस स्कूल और छात्रों के चल रहे विवाद में अब अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी कूद चुके हैं। आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीएसएस स्कूल के बाहर हंगामा काचा। आक्रोशित छात्रों ने स्कूल प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि बीएसएस स्कूल के करीब 70 छात्र इस बार फेल हो गए। छात्रों का आरोप है कि जब वह प्रमोट करने का नियम है तो उन्हें फेल कैसे किया गया। इस मामले में छात्रों ने उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार में बैठे लोगों तक प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी हल नहीं निकल पाया है। बीएसएस स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया है या फिर उनके नंबर कम दिए गए हैं इस बेसिस पे, क्योंकि वो कोचिंग नहीं जाते थे। टीचर जो कोचिंग पढ़ाते थे वो बच्चे वो कोचिंग नहीं जाते थे। आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से 80% बच्चों को फेल किया गया है या फिर उनके नंबर। रायबरेली में पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। ग्रामीणों ने हत्यारे को बदोखर पुलिस द्वारा बचाए जाने का आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया। बता दें कि हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया था। पिछले एक हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट की सूचना भदोखर थाने पर आई थी। थाना पुलिस मौके पर गई थी और उसने छानबीन की थी। इस संबंध में आज कई लोग पुलिस कार्यालय पर आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई है कि थाने पर उनका अभियोग पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में तुरंत अभियोग। योगी सरकार जहाँ एक ओर फरियादियों की समस्याओं को लेकर लगातार जनता दरबार लगा रही है, वहीं रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नज़ारा कुछ और ही नजर आया। आज भदोखर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने आकर यहां पर प्रदर्शन किया है, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक ने सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फरियादियों के ऊपर कोरोना गाइडलाइन के तहत मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी देते हुए नजर आए। प्राइम टीवी संवाददाता ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कैमरा बंद करने को कहा। देखना है ऐसे गैर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन या शासन कोई कार्रवाई करता है या ऐसे ही इस तरह के मनमर अधिकारी शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। कैमरामैन सैलेन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। यूपी के शाहजहांपुर जनपद के ग्राम पंचायत मीरानपुर कटरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जिरारू में सरपंच की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार इस वक्त लगा हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे यहाँ जहाँ एक ओर प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाकर लोगों को जागृत करने में जुटी हुई है, तो वहीं ग्राम प्रधान और विकास खंड अधिकारी प्रदेश सरकार की बनाई हुई योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं कराने जाने से लेकर जगह जगह गंदगी का ढेर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं नाले नदियों में भी जाम होने से गंदा पानी इस वक्त सड़कों पर बह रहा है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच और जिम्मेदार लोगों से इस पूरे मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि गांव में गंदगी पसरी हुई है, जिसके कारण वहां मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमित बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। मेरा नाम अतुल वर्मा है और मैं यहां पे लगभग 1.5 साल से रहता हूं। जब से देख रहा हूँ तो यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं हो रही और लगभग 8 से 9 महीने होने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे गंदगी रहती है और गंदा पानी और कूड़ा आता है यहाँ पर और बीमारियां बहुत फैली जा रही हैं यहाँ। सिद्धार्थ नगर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा कर रख दिया है। इस वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षा मित्र प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पूरा मामला इटावा तहसील के प्राथमिक विद्यालय अगरदिहीड़ का बताया जा रहा है, जहां वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और आम लोगों में यह सवाल दौड़ने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महिला शिक्षा मित्र शिक्षक को चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर पीटने को मजबूर हो गई। इस पूरे की मामले की जानकारी तब मिली तो पता चला कि आए दिन महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़खानी की जाती थी और इसका विरोध करने पर उसके ऊपर गालियों जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही नौकरी से निकालने की धमकी भी लगातार दी जा रही थी। मामला ये था कि जो सुबह के समय 9 बजे में स्कूल गई, फिर उन्होंने रजिस्टर लेकर आने को अंदर बोला,
फिर हमने रजिस्टर लेकर अंदर गया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोला कि जो है रजिस्टर में साइन नहीं करने दूंगा मैं बोली क्यों, कहे कि नहीं नहीं करने दूंगा, और तुम जो है कुछ मानती नहीं हो कोई बात, ऐसे बोल के फिर हमने जो है रजिस्टर छीनने की कोशिश की, उन्होंने रजिस्टर फेंक के फिर बाहर हमको 88,000 कृषि मुनियों की तपो भूमि नैमिषारण्य में आज प्रभागीय निदेशक के नेतृत्व में हरिशंकरी वाटिका में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि मंत्री वन पर्यावरण और जंतु उद्यान विभाग के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सिद्धिपीठ मां ललित देवी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, उसके बाद सिद्धि काली पीठ और हनुमानगढ़ी में माथा टेका गया। आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत नैमिषारण्य में स्थित आरोग्य वाटिका में हरिशंकरी पौधारोपण किया गया और आयोजित कार्यक्रम में बीएफओ ब्रजमोहन शुक्ल ने हरिशंकरी के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीपल बरगद पाकड़ के सम्मिलित पौधारोपण को हरिशंकरी कहा जाता है। तीनों वृक्षों को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप भी माना जाता है। सुल्तानपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले ने नियमों का उल्लंघन किया है। कहा जा रहा है कि गाड़ियों पर मानक के विपरीत हूटर बजाया गया, सड़कों पर भी समर्थकों के चलने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि रास्ते में कई स्थानों पर सुल्तानपुर पुलिस भी खड़ी रही। पुलिस के लोगों ने कार्रवाई न करते हुए मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। यूपी के हमीरपुर जिले में अब एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी इस वक्त उफान पर है, जिससे दो दर्जन से अधिक गांव इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं। फसलें भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो चुकी हैं। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जिलाधिकारी और एसपी ने मुआयना किया और अधिक पानी बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है। एकाएक नदियों में आए पानी से बूंद बूंद पानी के लिए परेशान बुंदेलखंड में पानी इस वक्त आफत बनकर टूट रहा है। ये जो बाढ़ आ रही है हमीरपुर में बेतवा और यमुना में भयंकर बाढ़ इस समय चल रही है। लगभग 100 के ऊपर दोनों नदियां हो गई है। इससे हम लोगों की फसल का नुकसान हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो डेरा पड़ रहे हैं मेरापुर भिलावा केसरिया का डेरा जमहरिया का डेरा भोला नाना का डेरा। बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है। चंबल नदी में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण यमुना खतरे के निशान के पास है और लेकिन बेतवा भी खतरे के निशान से नीचे है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकी पर जो भी कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं पुलिसकर्मी तैनात हैं सबको जो है सचेत कर दिया गया है, जागरूक कर दिया गया है कि सब लोग सतर्क रहें और आसपास के जो भी इसकी परिधि में आने वाले गाँववासी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें। वहीं आजमगढ़ में मां की डांट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने तमसा नदी में छलांग लगा दी। वहीं सूचना मिलते ही गोताखोरों के साथ पुलिस लगातार किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली निवासी प्रकाश सोनकर की 13 वर्षीय पुत्री पिंकी सोनकर की अपनी मां फूलमती से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिस पर मां ने पिंकी को एक थप्पड़ मार दिया, जिसे नाराज पिंकी हरबंशपुर स्थित पुल से तमसा नदी में उन्होंने छलांग लगा दी। किशोरी के नदी में कूदने की जानकारी मिलते ही पुल के पास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। काफी देर बाद पुलिस गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। फिलहाल गोताखोर किशोरी की तलाश में जुटे हुए हैं। उसमें कोई माँ उसकी बोली है माँ के वो शीतला माँ के थाने चली गई है और वो आकर कूद गई है। हाँ नहीं यहीं से कूदी है। और बुलंदशहर में शराब की दुकानों में मिलावटी शराब और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर एसडीएम और सीओ ने छापेमारी की। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने शराब की दुकानों में सीसीटीवी और रजिस्टरों की भी जांच की, जिसके बाद ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया। ये रूटीन चेकअप चल रहा है, प्रायः हर महीने इनकी चेकअप होता है। शराब की दुकानें भी इनके स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया जा रहा है, इनके ब्रांड देखे जा रहे हैं कहीं कोई नकली दारू तो नहीं है। बाकी दैनिक वितरण रजिस्टर जिसमें ग्राहकों के नाम मोबाइल नंबर वगैरह लिखे जाते हैं यही सब देखे जा रहे हैं, सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं।
यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। यूपी के कई जिलों में बारिश से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। तटीय गांवों में लोग पलायन करने को इस वक्त मजबूर हो गए हैं। लाखों की संख्या में ग्रामीणों के सामने जान माल का संकट इस वक्त खड़ा हो गया है। सरकार के निर्देश पर प्रशासन लगातार गाँव में बाढ़ से बिगड़ते हालातों को सुधारने में जुटा हुआ है। क्विक एक्शन टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, उससे हाल फिलहाल तटीय गांवों की स्थिति बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। और इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई राज्यों में नदियों का जल स्तर बढ़ने से नदियों में पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद जालौन से होकर गुजरने वाली नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं डैमों में जमा पानी छोड़ने के बाद कई जिलों में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। फिलहाल बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाकर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। वहीं लोगों को पानी से दूर रहने के दिशा निर्देश दिए गए, तो बाढ़ सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं 2019 जैसे हालात फिर से ना देखने को मिल जाएं। बाढ़ से गांवों को काफी नुकसान हो रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए हर गांव में बाढ़ चौकियां बनाई गई, जिसमें प्रधान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद जालौन में यमुना नदी की बाढ़ से लोगों के आशियाने बिखर गए। आपको बता दें कि बांध से छोड़े गए पानी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि सिंध, पहुज, यमुना सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिसका रौद्र रूप चारों ओर दिखाई दे रहा है। जनपद जालौन में कई गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ गए। कालपी क्षेत्र के सिमरा शेखपुरा में लगभग आधा गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों का जो भी सामान था सब पानी में डूब गया। चारों ओर दहशत का माहौल है, क्योंकि अभी तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा है। प्रशासन ने कहा कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भीषण बारिश होने का असर इस समय हमीरपुर में देखने को मिला है। यहां से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बेतवा नदी में बने बांधों से अचानक पानी छोड़ने के चलते एकाएक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई। यमुना नदी 104 मीटर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर और बेतवा 103 मीटर खतरे के निशान को छूने से महज 1 मीटर नीचे बह रही है, जिसकी वजह से यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों के किसानों की फसलें डूब गई, तो दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया। एकाएक नदियों में आए पानी से बूंद बूंद पानी के लिए तरसते परेशान बुंदेलखंड में एक बार फिर पानी आफत बनने की ओर बढ़ रहा है। आगरा जिले में चंबल नदी के रौद्र रूप से बाह तहसील के 38 गांवों में हाहाकार मच गया। पिनाहट में चंबल खतरे के लाल निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। पानी में डूबे 14 गांवों से पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ के पानी में मऊ की मड़िया गांव में झोपड़ियां बह गईं। 75 परिवारों के 300 से अधिक लोगों को प्रशासन ने गांव से निकालकर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। बता दें, जिस रफ्तार से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे नदियों किनारे बसे गांवों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। सरकार के निर्देश पर लगातार प्रशासन जलमग्न गांवों का जायजा ले रहा है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही तत्काल राहत उपलब्ध कराने के इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल नदियों का जल स्तर बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों के घर और खेत डूबे जा रहे हैं। अभी समस्या बाढ़ की बनी हुई है और ग्रामीणों के सामने जान और दो वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।